नमस्कार, स्वागत है आपका पोस्टफुल न्यूज मीडिया में और मैं आपके साथ सलोनी सरीन। आज मैं आई हूँ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भाटी माइंस छतरपुर। तो यहाँ पे आज हम स्कूल के बारे में देखेंगे कि स्कूल मतलब स्कूल कैसा है। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कितने सारे बंदर हैं यहाँ पे, और मैंने लोगों से भी जानने की कोशिश की थी तो लोग यही बता रहे थे कि क्या कहते हैं, बंदर आके उनके रोटियां ले जाते हैं, उनका खाना ले जाते हैं। अरविंद केजरीवाल ने पिछले 5 साल में वादे किए थे कि वो स्कूल्स बनवाएंगे, वो ब्रिजेस बनवाएंगे। आप ऊपर जैसे देख सकते हैं कितने सारे बंदर यहाँ पे बैठे हुए हैं, और ये स्कूल जो है ये 6 से 12 तक की पढ़ाई बच्चों को करवाता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं बंदर यहाँ पे बैठा हुआ है। आइए हम यहाँ के वॉशरूम्स देखते हैं कि इस स्कूल के वॉशरूम्स कैसे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 वॉशरूम्स हैं, एक है जेंट्स वॉशरूम, एक है लेडीज और एक स्टाफ वॉशरूम है। आप देख सकते हैं वॉशरूम कितना गंदा हो रहा है। हाँ, इस वॉशरूम में घुसा भी नहीं जा रहा एक्चुअली, इतना ज्यादा गंदा वॉशरूम है। यहाँ पे एक टाइम टेबल भी लगा हुआ है, यहाँ पे है ये डेली सैनिटेशन रिपोर्ट है जो बिल्कुल भी कहीं से भी फिल नहीं है। इसमें आपके बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं आफ्टर 6 और आफ्टर 5, लेकिन ये कहीं पे भी किसी ने भी कुछ भी इस पे साइन वगैरह या कुछ भी टिक वगैरह नहीं किए हैं। अब चलते हैं क्लासरूम्स की तरफ। ड्रिंकिंग वाटर की आप स्थिति देख सकते हैं, यहाँ पे केजरीवाल का कुछ लगा हुआ है। ये घर है डेंगू मुफ्त। यहाँ पे पानी की आप देख सकते हैं पानी आता ही नहीं है, जबकि केजरीवाल सरकार ने बोला था इसमें क्यों नहीं आ रहा है पानी। वो मैम खराब है, वो मशीन खराब है। आप देखो ये मशीन खराब है, बस एक ही नाल है यहाँ पे पानी के लिए। अच्छा, बाकी मशीन खराब है। अच्छा, ये पीने का पानी है। हाँ। साफ पानी आता है ये पानी में कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ऐसा पता चला है लोगों से कि इसी स्कूल में जो है यहाँ पे वोटिंग होती है, और आप स्कूल की हालत देख सकते हैं कि ग्राउंड कितना खराब है। यहाँ 24 घंटे बंदर घूमते रहते हैं। लोगों की यही शिकायत है, बच्चों की यही शिकायत है कि बंदर इनका खाना खा जाता है, इनके क्लास में आके बैठ जाता है। कभी बंदर इनको काट, बच्चों को काट बटता है, काटता है, उसका इलाज वगैरह। फिर वो अपने तरीके से, यहाँ पे कोई हॉस्पिटल डिस्पेंसरी नहीं है, कोई डिस्पेंसरी होते लेकिन उन्होंने दवाई नहीं देते। थोड़े दिन पहले हम क्रिकेट मैच खेल रहे थे, पीछे हमारा दोस्त था, उसका हार्ट अटैक आ गया। हमने कॉल किया, एम्बुलेंस नहीं पहुंची वहाँ पे, वो उसने यहीं पे दम तोड़ दिया, डेथ होगी। अभी कुछ दिन पहले, कल परसों की बात है, आप लोगों का दोस्त था जी, 26 जनवरी वाले दिन, उसी दिन उसकी डेथ हो गई थी, हार्ट अटैक आ गया। अच्छा चलिए, अब हम वहाँ चलते हैं जहाँ पे स्कूल का काम बंद हो गया है। स्कूल रोक दिया है, रुकते रुकते जो जहाँ पे स्कूल का बंद हो गया है। आप देख सकते हैं कि ये स्कूल की क्या हालत हो रही है, यहाँ पे कितने सारे झाड़ वगैरह है। मतलब अगर बच्चे यहाँ पे आए और उनके सांप, आपका डर भी यहाँ पे रहता है, सांप निकल गया, पत्थर यहाँ पे बीच में पड़ा हुआ, बच्चे का खेलते खेलते गिर गया, या सांप आप निकलते हैं क्या? बिच्छू और सांप दोनों जंगली है। नहीं नहीं, हम आगे जाएंगे देखेंगे। देख सकते हैं अब यहाँ पे कि कैसे यहाँ पे ये स्कूल का पूरा प्लेग्राउंड है, कितने बड़े एरिया में ये प्लेग्राउंड बना हुआ है। यहाँ पे बच्चे खेलते हैं दोपहर के टाइम, और यहाँ पे इन लोग से पता चला कि यहाँ पे सांप और बिच्छू भी निकलते हैं। अगर आप वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल पोस्टफुल न्यूज मीडिया को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हम कोई भी ऐसी वीडियो अप लेके आए तो उसका सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और जुड़े रहिए पोस्टफुल न्यूज मीडिया के साथ। धन्यवाद।